दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड पता कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में हर कोई इंस्टाग्राम यूज करता है। अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हो, चलाते हो, तो दोस्तों आप भी इंस्टाग्राम जरूर यूज करते होंगे। आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल सिंपल मेथड बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड पता कर सकते हो। काफी सारे लोग इंस्टाग्राम ऐप में अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं और इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, बट उनको पासवर्ड पता नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग तो फेसबुक अकाउंट से ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उनको पासवर्ड पता नहीं होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड पता कर सकते हो, कैसे रिकवर कर सकते हो, कैसे आप रीसेट कर सकते हो, ओके। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड पता कर सकते हो, ठीक है। आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड कैसे पता कर सकते हो? देखो, काफी सारे लोग बोलते हैं कि आप जीमेल ऐप में जाकर सेव पासवर्ड को ओपन करके अपने सभी सेव पासवर्ड को देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप जीमेल ऐप में जाओ, ठीक है। जीमेल ऐप को ओपन करने के बाद आपको प्रोफाइल पर टैप करना है। प्रोफाइल पर टैप करने के बाद आपको गूगल अकाउंट पर टैप करना होता है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इसके बाद आपको यहां पर एक सिक्योरिटी का सेक्शन मिलेगा, ठीक है। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे जाओगे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, पासवर्ड मैनेजर, ठीक है, पासवर्ड मैनेजर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप पासवर्ड मैनेजर में जाकर अपने सभी पासवर्ड को देख सकते हो, जैसे जीमेल का पासवर्ड हो गया, इंस्टाग्राम का पासवर्ड हो गया, फेसबुक का पासवर्ड हो गया। आप इस पर टैप करके यहां से पासवर्ड देख सकते हो, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब तक आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को, फेसबुक अकाउंट को क्रोम ब्राउजर में लॉग इन करके यूज नहीं करोगे, तब तक दोस्तों सेव पासवर्ड में आपके पासवर्ड सेव नहीं होंगे, ठीक है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब भी क्रोम ब्राउजर में हम कोई भी यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, मान लो कि हमें इंस्टाग्राम यूज करना है या फेसबुक यूज करना है, हम यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, लॉग इन करते हैं, तो वहां पर हमें एक ऑप्शन शो होता है, हमसे पूछा जाता है कि क्या आप अपने यूजर नेम पासवर्ड को सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ओके। जब हम उसको सेव कर देते हैं तो दोस्तों होता क्या है कि हमारे गूगल में हमारा जो पासवर्ड है, यूजर नेम है, वो सेव हो जाता है, ठीक है। और जब दोबारा से हम लॉग इन करते हैं तो यूजर नेम पासवर्ड डालना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों जब तक आप क्रोम ब्राउजर में अपने इंस्टाग्राम को लॉग इन नहीं करोगे, तब तक सेव पासवर्ड में आपका जो पासवर्ड है वो शो नहीं होगा, ठीक है। और आज के टाइम में लगभग 99% लोग क्रोम ब्राउजर से ना तो इंस्टाग्राम यूज करते हैं ना ही फेसबुक यूज करते हैं, ठीक है। इस वजह से सेव पासवर्ड में पासवर्ड शो नहीं होता है, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हो, मैं भी इंस्टाग्राम यूज करता हूं, फेसबुक यूज करता हूं, लेकिन यहां पर कोई भी पासवर्ड सेव नहीं है, क्योंकि हम क्रोम ब्राउजर से ना तो इंस्टाग्राम यूज करते हैं ना ही फेसबुक यूज करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप जीमेल ऐप में जाकर पासवर्ड मैनेजर को ओपन करोगे आपको यहां पर कोई भी पासवर्ड शो नहीं होगा, ठीक है। अब कैसे आपको पासवर्ड को रिकवर करना है, कैसे आपको पता करना है, चलिए मैं आपको बताता हूं। आपको इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करना है, ठीक है, आपको इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करना है। दोस्तों आपको इंस्टाग्राम को ओपन करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद प्रोफाइल पर टैप करना है। प्रोफाइल पर टैप करने के बाद आपको थ्री लाइन पर टैप करना है। इसके बाद आपको यहां पर फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको अकाउंट सेंटर पर टैप करना है। फर्स्ट नंबर पर आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट सेंटर, उसको ओपन करना है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, ठीक है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। जब आप इस पर टैप करोगे दोस्तों आपको यहां पर आपको फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा चेंज पासवर्ड, ठीक है, आपको इस पर टैप करना है। फिर आपको अपने अकाउंट को सेलेक्ट करना है। अब आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा
पासवर्ड को चेंज करने का, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब आपका अकाउंट आपके इंस्टाग्राम ऐप में लॉगिन रहेगा तभी आप पासवर्ड को चेंज कर पाओगे, ठीक है, तभी आप पासवर्ड को चेंज कर पाओगे। आपको यहां पर करंट पासवर्ड डालना होगा, ठीक है, जो आपका पासवर्ड है वो आपको डालना होगा। फिर आपको यहां पर न्यू पासवर्ड डालना होगा, पासवर्ड को कंफर्म करना होगा, इसके बाद आपको चेंज पासवर्ड पर टैप कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। ये जो मेथड है इससे आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये तभी काम करेगा जब आपको करंट पासवर्ड पता होगा, क्योंकि आप यहां पर फर्स्ट नंबर पर देख सकते हो करंट पासवर्ड। जब तक आप करंट पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक आप नया पासवर्ड क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब दोस्तों बात आती है कि यार हमें तो अपना करंट पासवर्ड याद ही नहीं है, अगर करंट पासवर्ड याद होता तो नया पासवर्ड तो हमें पासवर्ड जानने की जरूरत क्या थी, ठीक है। तो दोस्तों इसका एक ही सलूशन है, आप यहां से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो। आपको फॉरगेट पासवर्ड पर टैप करना है, ठीक है, इस पर आपको टैप करना है। जब आप इस पर टैप करोगे आपके जीमेल अकाउंट पे जिससे आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है, ठीक है, जिस जीमेल से आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है उस पर आपको एक मेल जाएगा, ठीक है। आपको उस मेल को ओपन करना है, वहां पर आपको लिंक मिलेगा। दोस्तों आप लिंक पर क्लिक करके अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, ठीक है। जब आपके जीमेल पर लिंक जाएगा तो दोस्तों आपको करंट पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपको करंट पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूं, हम जीमेल ऐप को ओपन करते हैं, हमने जीमेल ऐप को ओपन कर लिया है। अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो रीसेट योर पासवर्ड का एक मेल आ चुका है हमारे पास, हम इसको ओपन करते हैं। इसको जब आप ओपन करोगे आपको रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो, नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आपको ओपन करना है। अब दोस्तों आप यहां पर नया पासवर्ड डाल सकते हो, नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो करंट पासवर्ड डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपको करंट पासवर्ड डालना नहीं है, आपको न्यू पासवर्ड डालना है, पासवर्ड को दोबारा से डालना है, फिर आपको रीसेट पासवर्ड कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आप नया पासवर्ड अपने अकाउंट का क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये तरीका उन लोगों के लिए है जिनका अकाउंट इंस्टाग्राम में ऑलरेडी लॉगिन है, उनको अपना पासवर्ड याद नहीं है, पता नहीं है, ठीक है। अगर दोस्तों आपका इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो लॉगिन नहीं है, ठीक है, आप अपने इंस्टाग्राम को यूज नहीं कर पा रहे हो, तब आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। सेम यही प्रोसेस है, ठीक है, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है। तो दोस्तों हमने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉग आउट कर दिया, ठीक है, हमने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉग आउट कर दिया है, हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो इंस्टाग्राम ऐप में लॉगिन नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि हमें फिर से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करना है और हमें पासवर्ड पता नहीं है, तो दोस्तों आप यहां से भी पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो, ठीक है। आपको लॉगिन इनटू अनदर अकाउंट पर टैप करना है, आपको यहां पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, आपको इस पर टैप करना है। आपको यहां पर अपना यूजर नेम डालना है या आप जीमेल अकाउंट डाल सकते हो जिससे आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रिएट किया, ठीक है, तो यहां पर हम डाल देते हैं, तो दोस्तों हमने यूजर नेम डाल दिया, ठीक है। इसके बाद आपको फाइंड अकाउंट पर टैप करना है, आपका अकाउंट आ जाएगा, आप यहां पर देख सकते हो अकाउंट आ चुका है। अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कंफर्म योर अकाउंट, आपको यहां पर एक कोड डालना है, ठीक है, एक ओटीपी डालना है जो हमारा जीमेल अकाउंट है जिससे हमने अकाउंट क्रिएट किया हुआ, ठीक है, वहां पर एक ओटीपी गया है। हम जीमेल को ओपन करते हैं, आप यहां पर देख सकते हो ओटीपी आ चुका है, ठीक है। अब हम ओटीपी डालेंगे और दोस्तों हमें फॉरगेट पासवर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, नया पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, आप यहां से डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो बिना पासवर्ड के, ठीक है, और दूसरा जो ऑप्शन है रीसेट योर पासवर्ड, आप इस पर टैप करके डायरेक्ट अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, या आप ओटीपी डालकर
पासवर्ड फिर से नया बना सकते हो 87 0376। आपको कंटिन्यू पर टैप करना है। अब आप यहां पर देख सकते हो ऑप्शन आ चुका है न्यू पासवर्ड का, ठीक है। अब हम यहां पर नया पासवर्ड डालकर कंटिन्यू करेंगे, हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप बहुत ही आसानी से अपने पासवर्ड को पता कर सकते हो, पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। ये जो मेथड है ये काफी अच्छा मेथड है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अपने जीमेल अकाउंट से ही क्रिएट करते हैं, तो वो जीमेल अकाउंट आपके फोन में लॉगिन होगा और दोस्तों आप उसके माध्यम से अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो, नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, पासवर्ड को रिकवर कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही जानकारी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।